नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की। आज हम दोबारा एपिसोड बना रहे हैं, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी है, जो ये सरकार ने योजना जारी की है, इससे जो इसके अभ्यर्थी है उन्हें कितना लाभ है और कितना नुकसान है, इस बारे में हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। सर, मैं एक चर्चा दोबारा से आपसे करना चाहता हूं। जो अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की है, क्या ये देश हित में है, युवाओं के हित में है? धन्यवाद प्रताप जी। आप एक बहुत अच्छी सीरीज जो है आपने शुरू की है अग्निपथ को लेके। सरकार की क्या मंशा है, जनता क्या चाहती है, ये सब चीज हम इसमें आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, सरकार जो योजना लेकर आई है अग्निपथ के नाम से, और जिन लोगों के लिए लेकर आई है, यानी युवाओं के लिए, अग्निवीर, सरकार जो भी योजना लेकर आती है या कोई भी कार्य करने वाली है, सोच समझ के करती है, क्योंकि हमारे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सरकार में हैं, जिनको कई वर्ष हो चुके हैं राजनीति में, कई मंत्री पद पहले संभाल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल देश हित में है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ समझने का फेर है। जो हमारी युवा ब्रिगेड है, यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं शायद उस योजना को समझ नहीं पाई या सरकार उनको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई अपनी बात, ये हो सकता है। थोड़ा सा फेर है 19-20 का, समझना चाहिए युवाओं को। कम से कम जो सरकार योजना लेकर आई है, पहले उसको समझे, उसको पढ़े। आज के टाइम पे तो गूगल पे सारी जानकारी अवेलेबल हो जाती है, मोबाइल में गूगल कर सकते हैं इस चीज को भी। पहले उस योजना को समझ ले, उसके क्या है, क्या नियम कानून है, उसमें किस तरह उनको फायदा मिलेगा, और अगर कुछ नुकसान भी है तो वो क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही मैं समझता हूँ युवाओं को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपको लगता है कि जो सरकार ने योजना लागू की है, तो सरकार जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें समझाना समझ वे समझाना समझा नहीं पा रही है, या युवा उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें कोई चूक लग रही है मुझे? देखिए, ऐसा है, हमारे हमारे देश को एक युवा देश कहा जाता है। सरकार ये जो योजना लेके आई है, इसमें आपने कहा कि युवा समझ नहीं पाए, सरकार समझा नहीं पाई। मैं फिर से कहूंगा कि युवाओं ने, मुझे लगता है ये, कि थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है। किसी भी चीज का विरोध जब किया जाता है, अगर हमें उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो उपलब्ध नहीं है, या पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो हम उसका विरोध करेंगे कि हमें समझ नहीं आई ये चीज। यहाँ पे सरकार ने जो जानकारी है वो उपलब्ध करा दी है, और उसका एक, जैसे सरकार कोई भी पार्टी जो है चुनाव लड़ने से पहले एक मैनिफेस्टो तैयार करती है और जनता के समक्ष उसको रखती है, सेम वैसे ही यहाँ पर सरकार ने एक योजना बनाई। पटल, ये इस योजना पर तो पिछले दो दो तीन साल से काम चल ही रहा था। सरकार ने योजना बनाई है, पटल पर रखी है, लेकिन जनता जो है, या हमारे युवा ब्रिगेड जो है, उसको समझे पहले, समझने से पहले ही उसके विरोध पर आ गई, ये चीज बहुत गलत है। पहले समझना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष अपना काम कर चुका है। देखिए, सरकार और विपक्ष दो चीज होते हैं सदन में, पक्ष और विपक्ष, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। यहाँ पर इस बार विपक्ष बाजी मार गया है। विपक्ष ने युवा ब्रिगेड को, युवाओं को, जो चीज सरकार डिलीवर करना चाह रही थी, उसके अगेंस्ट युवाओं को खड़ा कर दिया है, और ये मैं कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर चूक हुई है युवाओं से। पहले चीज को समझना चाहिए, समझ नहीं आई या उसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं तो उनको सरकार के समक्ष रखें। तब भी अगर सरकार उनका ध्यान नहीं रखती है या सरकार उनको इग्नोर करती है, उसके बाद आप आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। अगर हम पेंशन की बात करें, तो 2004 के बाद में जो पुलिस है उसकी पेंशन, जो युवा भर्ती हुए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है हमारी, उनकी पेंशन खत्म कर दी गई, क्या ये सही निर्णय था आपकी नजर में? देखिए, 2003-04 में निर्णय लिया गया था। ये निर्णय लिया क्यों गया, पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए। ये निर्णय अगर मैं एक पक्ष को देखूं तो सरासर गलत है। जो युवा, मैं कहूंगा कि बेल्ट की नौकरी में जाता है, एक तरीके से वो देश सेवा के लिए जा रहा है, चाहे पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, या आपका सैनिक आर्मी में जाता है, कोई भी है, वो देश की सेवा के लिए जा रहा है, और उसको ये उम्मीद होती है कि जब वो देश की सीमाओं पे या देश के अंदर सर्विस कर रहा है, या देश सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसके पीछे सरकार उसके परिवार का ध्यान रख रही है, वो निश्चिंत होकर काम करता है, और उसे ये एक उम्मीद होती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार के पास
सरकार की तरफ से कुछ राशि दी जाएगी जो कि मेरे परिवार को पालने के लिए या उनके सहयोग के लिए काफी होगी। लेकिन आपने देखा होगा, एक बात सुनी होगी आपने पहले भी, कि 90 का दशक जो था वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को उसने डामाडोल कर दिया था। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था। वहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिली, कई देश जो है कंगाल भी हुए थे, लेकिन एक हमारा देश ऐसा था जिसने अपने आप को संभाल लिया किसी तरीके से। और उस दौरान जब ये निर्णय लिया गया था कि पेंशन जो स्कीम है वो बंद कर दी जाए, वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए कि खर्चे जो है बहुत ज्यादा है और इनकम सोर्सेस कम है, तब ये निर्णय लिया गया था कि अर्धसैनिक बलों की और राज्य पुलिस जो है उनकी पेंशन व्यवस्था को बंद किया जाए। मैं समझता हूँ अगर उस समय देश को स्थिर रखना था, देश की हालत सही रखनी थी, तो वो निर्णय कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन एक सैनिक के, एक युवा के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये निर्णय गलत भी था, क्योंकि एक युवा जब नौकरी पे जाता है, बेल्ट की नौकरी पे, पुलिस में या पैरामिलिट्री में या मिलिट्री में, तो वो ये सोच के जाता है कि मुझे मैं जो मुझे तनख्वाह मिल रही है उसके बाद भी सरकार की तरफ से मुझे कुछ सिक्योरिटी मिल रही है पेंशन के रूप में, मैं अपना बुढ़ापा आराम से काट सकूंगा। लेकिन जब ये निर्णय आया तो उस वक्त भी लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और ये उम्मीद की थी कि सरकार जो है पेंशन व्यवस्था को बहाल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने बहाल की है और फिर से मांग उठी कि अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब तक किसी और राज्य ने ऐसा निर्णय दिया नहीं। मैंने कई युवाओं से बात की भी इसी पीरियड में, तो उनका साफ तौर से कहना था युवाओं का कि सरकार ने जो नई भर्ती है उनकी तो पेंशन समाप्त कर दी, और जो हमारे विधायक और एमपी हैं वे कई योजना से विधायक एमपी बनते आते हैं और उनकी पुरानी पेंशन चलती रहती है, एक एक विधायक एमपी तीन तीन चार चार पेंशन ले रहे हैं, तो उसका विरोध यानी कि वो लागू कर रखी है और युवाओं की जो भर्ती है उसकी पेंशन नहीं है। देखिए, ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये सवाल आप पूछेंगे मुझसे। होता ये है कि 2003 के बाद जब पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया, विरोध के स्वर उस वक्त भी उठे थे और लगातार उठ रहे थे, लेकिन आजकल ये सवाल फिर से चर्चा में है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब सदन में जाता है तो तनख्वाह उसको मिलती है, वो सांसद विधायक बनता है, तनख्वाह उसको मिलती है, और जब उनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण होता है तो उनको एक सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है, गुजारा भत्ता भी कह सकते हैं उसको। लोगों का मानना यह है, एक सैनिक या एक पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटी करता है, बॉर्डर पे जाता है, वहां पर देश की सेवा करता है, सुरक्षा करता है, उसको रिटायरमेंट के बाद जब ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो जो हमारे नेता हैं वो तो एक तरीके से समाज सेवक की कैटेगरी में आते हैं, एक तरीके से समाज को या अपने क्षेत्र को सदन में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कोई ऐसा, ये जनता की सोच है मेरी नहीं, वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। हाँ, वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो उनको जो है सरकार तनख्वाह दे रही है 5 साल के लिए, उसके बाद उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने सुना था कि भाजपा सरकार ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि क्या जनता की राय ले रही है, क्या विधायकों सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। हालांकि संसद में उस पर बहस हुई तो मैं नाम नहीं लूंगा, कई दलों के नेतागण विधायक सांसद जो हैं वहां से वॉकआउट कर गए थे, तो वो बिल जो है पास नहीं हो पाया था। मैं इसमें जरूर ये कहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो ये जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि हमने अगर सैनिकों की पेंशन रोकी थी तो आज हमने डिसीजन लिया है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी वही कानून लागू हो गया है। मैं समझूंगा अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा हमारे सामने। युवा का शुरुआत से ही एक सपना होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, एक जोश होता है, और उस जोश के कारण युवा उसका फिजिकल की तैयारी भी करते हैं, रेस लगाते हैं और ऊंची कूद लंबी कूद, तो एक पूरा फिजिकली अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम देश सेवा कर सके। अब जो ये 4 साल की भर्ती का जो जब से मोदी सरकार ने घोषणा की है, युवा अपने आप को थोड़ा महसूस कर रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद भी मुझे इसका फल नहीं मिल पाएगा, तो आपका कहाँ तक सही मानना है? देखिए प्रताप जी, ये जो योजना है सरकार की अग्निपथ, और वो युवा जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, मैं समझता हूँ पहले इनको समझ लेना चाहिए था। हमने कल भी इस पर बातचीत की थी और हमने कहा था कि 4 साल की योजना मत समझिए इसको, ये योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अग्निवीर बनना चाहता है
एक अपॉर्चुनिटी है। सरकार ने कहा है कि हम 25% को रिटेन करेंगे, आप अपने आप को उस 25% में रखिए। आप 75% में क्यों मानते हैं अपने आप को? अपने आप को उस 25% में रखिए कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं 25% में रिटेन हो जाऊंगा। इन केस अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि नहीं है या हो नहीं पाता है, तो अन्य जो राज्य सरकारें हैं या सरकार की तरफ से जो अन्य भर्तियां होती हैं क्लरिकल डिपार्टमेंट में, सरकार ने ये एक बयान दिया है, राजनाथ सिंह जी ने भी और अन्य मंत्रीगणों ने भी, कि उनको वहां पर वरीयता दी जाएगी, उनको अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अन्य विभागों में उनको वरीयता दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ उसमें गलत क्या है। अगर वो 4 साल वहां कर रहे हैं और उनको 10वीं पास युवा अगर अग्निवीर बनता है तो 4 साल के बाद उनको 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 12वीं पास अगर अग्निवीर बनता है तो उसको ग्रेजुएशन के समकक्ष दिया जाएगा, और जिस डिपार्टमेंट में वो सेना के साथ जुड़े हैं उसके बाद 4 साल के बाद उनको लगभग उन्हीं डिपार्टमेंट में सरकारी को एक योजना के तहत उनको भर्ती किया जाएगा। कई राज्य तो ये एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे या जो 75% होंगे रिटेन नहीं किए जाएंगे, राज्य पुलिस में उनको वरीयता दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है पहले बैच के लिए 5 साल का। मैं समझता हूँ देखिए सरकार जितना कर सकती है कर रही है, और सबसे बड़ी बात प्रताप जी मैं बताऊं आपको, इस देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़, अगर आप आंकड़ा देखें हर साल 90 से 92 लाख युवा जो है 12वीं पास करते हैं, आपको लगता है सरकार सबको नौकरी दे पाएगी? हमारे देश में संसाधन कम है जनता ज्यादा है, हमें ये चीज भी देखनी चाहिए, और उसके अनुसार जनसंख्या के हिसाब से जो सरकारी नौकरी है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है, कंपटीशन बढ़ रहा है। सरकार का ये एक प्लान है कि हर कोई नौकरी कर सके, ये प्लान उस दिशा की ओर है। और दूसरा आप ये देखिए पूरे दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं जहां पर ये कानून है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को 5 साल 4 साल सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य है। बल्कि इसराइल में तो ये भी है कि जब तक आप 3 साल सेना में अपनी सेवा नहीं देंगे आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। सोचिए अगर हमारे यहाँ ये कानून बन जाता है तो सदन तो खाली हो जाएगा। अगर हम सरकार की बात करें, पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ है कि जो सरकार ने जो भी नए कानून लेकर आई, सीए का कानून लेकर आई थी, उसमें पूरा हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में कृषि कानून आया, कृषि कानून को आपको देखना होगा, विरोध इतना हुआ किसानों का तो उसे वापस लेना पड़ा। अब ये जो अग्निपथ योजना है ये लागू की घोषणा की उन्होंने, आखिर कब ये कब तक चल पाएगी? आपको लगता है कि ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी योजना? देखिए ऐसा है, एक छोटी सी बात सोचने वाली ये है कि आजादी के बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना आई और उसके अनुसार हमारे देश में जनगणना का ऐलान हुआ, 1951 में पहली जनगणना हुई थी, और उसके बाद सरकार ने यह नियम बनाया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना अनिवार्य है। आप अगर उसको जनगणना कह के लागू करते हैं तो हमें एक्सेप्ट है, लेकिन अगर आप उसे कहते हैं CAA NRC तो हमें एक्सेप्ट नहीं है। पहले हमें चीजों का मतलब समझना होगा। सरकार जनगणना ही चाह रही थी लेकिन दूसरे तरीके से, हमने उसका विरोध किया। शाहीनबाग हमने देखा, झेला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जामिया में तोड़फोड़ हुई, वो झेला, कोई बात नहीं। उसके बाद जो सरकार ने एक वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, और उसी के हिसाब से जो कृषि कानून आए थे उनको लाने की तैयारी सरकार ने की, लागू करने की पूरी पूरी कोशिश हुई। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो स्टार्टिंग में आज आपने मेरे जवाब दिया था कि सरकार से चूक हुई है, या तो जनता तक बात नहीं पहुंचा रही या जनता जो है सरकार की बातें ढंग से सुन नहीं पा रही, कहीं ना कहीं एक जो है गैप है। जो कृषि कानून आए थे, मुझे आप ये बताइए, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन किया, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तोड़फोड़ कहाँ तक जायज मानते हैं? जो कई कानून ये लेकर आए, उसमें हंगामा हुआ, इस कानून में अग्निपथ योजना में कई ट्रेनें फूंक दी गई, आगजनी कर दी गई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, तो ये कहाँ तक जायज मानते हैं? मैं उसी पर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था, आप मुझे खुद ही बताइए, क्या जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कितने लोगों को पता था कि कृषि कानून क्या है? अब बात आती है तोड़फोड़ की। 26 जनवरी पर जो तोड़फोड़ हुई थी कृषि कानूनों को लेकर, क्या वो जायज था? मैं समझता हूँ, देखिए अगर आप सरकार की बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार अपनी बातों को आपको नहीं समझा पा रही है, आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, पुलिस वालों को पीटने की क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस
के जो सिपाही थे उनको लाल किले की दीवार से फेंका नीचे, सबने देखा था ये। तो क्या दिल्ली पुलिस में जो सिपाही भर्ती होता है वो किसान परिवार से नहीं होता? किसान परिवार से और हमारे बीच से ही जाता है, उनको उठाकर लाल किले की प्राचीर से नीचे फेंका गया दीवार से, 13-15 फुट की दीवार से, क्या वो जायज था? अब इस वाले मामले में आप कह रहे हैं रेलों को जलाया जा रहा है, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ट्रेन के डब्बे में आग लगाई जा रही है, सीटों पे आग लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है वो पढ़े लिखे युवा हैं और उनको इस कानून से कुछ भी लेना देना है? क्या लगता है आपको? उनके आप जो है बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका और उनका कार्यशैली जो आग लगा रहे हैं उसको देखकर ये मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो शायद अनपढ़ की कैटेगरी में ही आते होंगे, क्योंकि किसी भी कानून को लेकर अपने देश का ऐसे लोगों को कोई लेना देना ही होता है, देश हित कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी से कोई नहीं होता, केवल एक ही है कि पॉलिटिक्स साधनी होती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स जो नेता हैं उन्होंने भी इसमें अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना चल रहा है, और अभी आगामी 28 तारीख में जैन चौधरी भी इसको मुहिम के रूप में चलाकर जिलों जिलों में घूमने वाले हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा भी, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, एक साल बीच में है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। तो क्या युवाओं की भविष्य, युवाओं की भर्ती पर भी पॉलिटिकल हावी रहती है? देखिए एक चीज है इसमें, मैं जो कहूंगा कि सरकार एक पॉइंट पर बैकफुट पे मेरे हिसाब से है। कोरोना काल में कोई भर्ती नहीं हुई, उसके बाद जो इक्का दुक्का भर्ती हुई है उनको भी अग्निपथ के तहत शामिल कर लिया गया। दिक्कत सिर्फ ये है कि जो युवा भर्ती हो चुका था या जिसको केवल ट्रेनिंग पे जाना बाकी रह गया था उनको आप अग्निपथ या अग्निवीर मत कहिए, उनको तो उनकी जो नौकरी है वो मिलनी चाहिए प्रॉपर, जो उनको सरकार ने वादा किया था। हाँ, अगर आप ये योजना लागू करना चाहते हैं तो 24 तारीख यानी कल से पहली भर्ती है, आप इसको कल से लागू कीजिए, पुराने जो भर्ती है उनको उसी हिसाब से पूरा कीजिए जो उनका प्रारूप था। इस जो ये अग्निपथ आई है अगर आप इसे कल से लागू करते हैं, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जनता को युवाओं को समझना पड़ेगा और सरकार को भी इन युवाओं को समझाना पड़ेगा। सरकार ने एक चीज और बोली है कि ये केवल एक योजना है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कोई बने हर कोई जाए, जो आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम, जो नहीं चाहता है वो नॉर्मल रूटीन की भर्तियां भी खुली रहेंगी, सरकार की तरफ से समय समय पर भर्तियां की जाएंगी, आप उनके माध्यम से सरकारी नौकरी का ट्राई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गलत क्या है, सरकार अपनी जो है देश की जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर रही है। आज के टाइम पे हमारी सेना को जरूरत है युवा जोश की, सरकार ने एक तरीका ये निकाला, अगर सरकार कहीं ना कहीं जनता को समझा नहीं पाई तो समझाना चाहिए, और अगर लगता है सरकार को या कुछ बुद्धिजीवियों को भी सरकार ने जो कहा है वो डिलीवर कर दिया है, तो ये जो लोग आंदोलन पर उतर आए हैं, बसें फूंक रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, इनको सोचना होगा कि ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्यों? जो आज के टाइम पर रेल जला रहा है वो तो नौकरी पेशा नहीं है, वो तो अपने आप को छात्र या स्टूडेंट कहता है, क्या वो टैक्स पेयर हुआ? टैक्स पेयर हुए हम और आप जैसे लोग। पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल सब यूज करते हैं, उसके बाद फिर बोलेंगे पेट्रोल के रेट बढ़ गए, सरकार जनता से वसूल कर लेगी कहीं ना कहीं से, दिक्कत होगी हमें और आपको और इनडायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को भी। तो मैं समझता हूँ ये आगजनी जो है बंद करनी चाहिए, अगर सरकार से कोई दिक्कत है तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें और मामला सुलझाए, समझना चाहिए कि पहले है क्या उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन करें। तो ये हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी, इनसे हमारे तमाम मुद्दों पर बात हुई और निर्णय यही निकला कि पहले सरकार की जो नीतियां जो योजना है उसे समझें, उसके बाद ही डिसीजन ले। 24 तारीख से भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी बताई जा रही है होगी, और पहले उसमें युवा अपना भाग्य आजमाए, और ये बाद की बात है कि आप कितने उसमें योग्य दिखते हैं और कितने आप उसमें योग्यता का अपना प्रदर्शन करते हैं, तो उसको निर्णय लेने से पहले आप उसको समझें, सरकार की नीतियों को जानें। अगली वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।